हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। वुमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप लीग का मैच हो रहा है स्पेन वर्सेस स्वीडन के बीच। अभी पीछे नॉकआउट मैचेस हो रहे थे जिसके अंदर दोनों टीम्स अगर आपस में भिड़ रही हैं आज, तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आखिरी के मैचेस जीत के आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले नॉकआउट मैच में हारती तो सीधा बाहर, ठीक है। तो ये एक बहुत मेन मैच है स्वीडन के लिए, स्पेन के लिए भी उतना ही है, लेकिन स्वीडन के लिए थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि स्वीडन अगर ये वाला मैच जीत जाती तो उनका खुशी का ठिकाना नहीं होगा, ठीक है, बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं अगर बात करूं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे लिंक पर जुड़ो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की स्पेन और स्वीडन में, मैं आपको पहले तो बता दूँ विनिंग चांसेस स्पेन के लग रहे हैं। क्योंकि स्पेन ने जिस हिसाब से नीदरलैंड्स को हराया, और बहुत मतलब इजीली तो नहीं कहूँगा, पूरी मेहनत करती है ये टीम जो आज यहाँ तक है, नॉकआउट मैचेस में ऐसे ऐसे दम दिखाए हैं जो कि एक्सपेक्टेड थे, मेरे को लगता था और आज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्ट्राइकिंग की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर क्या चक्कर है। पिछले मैच में ब्लैकसेनियस ने कुछ नहीं किया, ठीक है, अच्छी बात है, हमने ली भी नहीं। और रॉल्फो की बात करूँ तो मैं रॉल्फो को एक मैच में भी मिस भी नहीं किया, तो मैं रॉल्फो को लूँगा। उसके बाद पिछले मैच में मैरिनो का जो गोल आया था वो एक पेनल्टी गोल था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और खेल रही थी। उसके बाद ई गोंजालेस जो थी ये भी प्लेइंग 11 के अंदर थी, और ई गोंजालेस के बाद इनकी कोर थी यार प्लेइंग 11 में, मुझे याद नहीं आ रहा, दो मिनट, नवेरो, एडल के स्टीलो भी नहीं थी शायद, डिफेंड मिडफील्डर होगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, मेरिनो और ई गोंजालेस को लेना है, जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 थी उनको ज़रूर लेना है। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, बॉनमती और हेरमोसो को मैं हर बार ट्राई करता हूँ, मतलब जैसे मैंने पीछे नहीं पड़ जाते, जैसे बॉनमती अब ये स्विट्जरलैंड के खिलाफ जिस दिन मैच हुआ था उस दिन ये मेरी वाइस कप्तान थी, तो जीतना तय था, ठीक है। और हेरमोसो की अगर बात करूँ तो हेरमोसो लगातार अच्छा खेल रही है और कंटिन्यूसली 26 जुलाई से मेरी कैप्टन है, वाइस कैप्टन नहीं रखा, वाइस कैप्टन मैं अलग को रखता हूँ, कप्तान मेरी शुरू से ये रही है। और आगे से बात करें एल्बेरा की, एल्बेरा को यार इसका समझ से बाहर हो चुका है सिस्टम पूरा। क्योंकि मैं अगर कोई डिफेंडर लेता हूँ तो हारता हूँ, क्यों हारता हूँ कि ये चलती है, और अगर मैं डिफेंडर की जगह इसको ले लूँ फिर मेरा एक प्लेयर नीचे से छूट जाता है। जैसे अगर मैं आज एब्लेरा को लेता हूँ तो मेरी यहाँ से सीधी सीधी ई गोंजालेस छूटेगी, जिसको छोड़ने में मुझे लग रहा है डर, मुझे लग रहा है रिस्क, मैं आपको सच बता रहा हूँ। भले उसने लास्ट दो मैचेस में कुछ नहीं किया, बट मैं उनको फिर राय दूंगा, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो मैं इसको सिर्फ एब्लेरा के पीछे छोड़ूंगा। और रेडोंडो की बात करें तो रेडोंडो को अगर छोड़ता हूँ तो वो भी एब्लेरा के पीछे ही छोड़ूंगा, क्योंकि उसका पॉइंट देने का तरीका डिफरेंट है। आगे से ऑपोजिशन टीम की बात करें, रुबेनसन को लूँगा, ठीक है, रुबेनसन ही बनती है इस मैच में, क्यों सीधी बात है। एंड डिफेंडिंग की बात करें तो एलेस्टेड कन्फर्म, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि पहले मैच में देखते कि आप पूरे सीजन लूँगा इसको। और ओ बैटल की बात करें, ओ बैटल मुझे खास नहीं लगती, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं लूँगा इरानी पैरट्स को, भले पिछले मैच में उसने अच्छा किया था बैटल ने फिर भी। और कॉर्मेनो को, ठीक है, अगर खेलती है, और कॉर्मेनो के बाद ये जो प्लेयर आप देख रहे हैं कोडिना अगर खेलेगी तो शायद कॉर्मेनो ना भी खेले, तो अगर आप इसकी जगह कोई और प्लेयर लेना चाहते हैं जैसे ओ हर्नांडिस वगैरह तो आराम से आ जाएगी। और आगे से बात करें गोल कीपिंग की, तो यहाँ पर है मुसोविक पिछले मैच से कंटिन्यू अच्छा खेल रही है, एक मैच में नहीं खेली थी, उसके बाद यूएसए के खिलाफ इसने 11 गोल उनके सेव किए थे, तो मेरे को बहुत मैंने अच्छा है, मतलब अच्छी खिलाड़न है। आगे से बात करें कप्तान की, तो जो हमारी कप्तान है वो है हेरमोसो और वाइस कप्तान है बॉनमती। देन दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।